सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के कीवर्ड्स का पार्ट वन लेके आए हैं। दो पार्ट्स में हम अपने कीवर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 30 कीवर्ड्स हैं, 15 आज और 15 कल। हम अपने कीवर्ड्स को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट कीवर्ड जो है, जो हमें दे रखा है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। वॉट इज़ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस पोस्ट डाइजेशन। पोस्ट डाइजेशन का मतलब क्या होता है? आफ्टर डाइजेशन, मतलब कि जब डाइजेशन हो जाता है तब उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। इन दिस प्रोसेस द डाइजेस्टेड फूड विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड विया द हेल्प ऑफ विलाय ऑन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड होता है उसका यूज़ होता कहाँ है? ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर। जो हमारा फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर जाते हैं? हमारे मेन टिश्यूज़ तक जाते हैं, मेन सेल्स तक जाते हैं, तभी तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं, एसिमिलेशन कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के दौरान डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर, विया द हेल्प ऑफ विलाय। विया द हेल्प ऑफ विलाय का मतलब हो गया किसके द्वारा? विलाय के द्वारा, विलाय की हेल्प से, ऑन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें? अंदर की वॉल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस चीज़ को मैंने आपको समझाया भी था, जैसे कि हमको ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन दे रखी है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऐसा तो है नहीं पतली सी होती, वो भी कई सारी मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारा क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। इन मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो जो फूड पार्टिकल है वो जाके उन ब्लड वेसल्स के साथ कहाँ तक पहुँचता है? जहाँ तक नीड है उस फूड की, वहाँ तक पहुँचता है। सो दिस इज़ अबाउट एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है आपका अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स वो छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको कि हम मिला दें या फिर जिनको कि हम कंबाइन कर दें तो वो क्या बना लेते हैं? प्रोटीन्स बना लेते हैं। हैंस दे आर रिफर टू एज अ बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब जैसे ये छोटे छोटे पार्ट्स के हैं हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ये मिलके इतना बड़ा क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। ये सब मिल गए तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? प्रोटीन फॉर्म कर लिया। तो हम सिंपल क्या मान के चलेंगे कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मिलके किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमीबा। अमीबा क्या होता है? तो अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सिंगल बॉडी। मतलब कि हमने बताया था, मैंने आपको ये अपने लेक्चर में भी समझाया है कि जो अमीबा होता है उसके पास सिंगल सेल होता है, उसके पास एक ही सेल होता है। वो अपने बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म के जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सब एक ही सेल से परफॉर्म करता है। तो अमीबा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ही सेल बॉडी होती है। इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये कहाँ पर पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। इट डज़ नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप लाइक अदर ऑर्गेनिज्म। इसके पास कोई भी इसकी खुद की फिक्स्ड शेप नहीं होती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता क्या आगे? तो एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉडी। तब एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा उस जगह तक खाना पहुंच चुका है जिस जगह नीड है। उस जगह पे जो फूड पार्टिकल्स हैं ब्लड से, वो फूड पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? उस सेल के अंदर जाएंगे जहाँ पर ज़रूरत है। तो यही क्या होता है? हमारा एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉडी, बाहर से अंदर। मतलब वही हो गया, ब्लड वेसल्स के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। सो दीज आर योर फोर। नेक्स्ट इज बाइल। बाइल क्या होता है? तो बाइल जो होता है वो एक फ्लूड है दैट इज़ मेड एंड रिलीज्ड बाय द लीवर। हमने ये चीज़ पढ़ी है, अपने लेक्चर्स में भी पढ़ी है कि जो बाइल होता है वो बनाया किसके द्वारा जाता है? हमारा लीवर के द्वारा। और स्टोर किस में होता है? हमारा गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर में स्टोर होने का उसका एक रीज़न भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि गाल ब्लैडर में स्टोर होने का रीज़न ये होता है कि बाइल बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब उसको गाढ़ा करने का काम कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है। इसलिए बाइल बनाया तो लीवर के द्वारा जाता है लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल हेल्प्स विद डाइजेशन। इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। बाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो करता है बाइल, वो किसके साथ करता है? फैट्स के साथ। तो वो फैट्स को फैटी एसिड्स में तोड़ता है और डाइजेशन में अपना रोल निभाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइल। नेक्स्ट इज़ बकल कैविटी।
तो द माउथ इज़ ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी. माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, पूरा माउथ का जो एरिया होता है उसको बकल कैविटी बोलते हैं. और द ओरल कैविटी इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ इज़ द अपर एंड और द बिगिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच लीड्स टू द फाइनेक्स एंड टू द ओसोफेगस. बकल कैविटी हमारा माउथ जो होता है वो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ से हम इंजेशन करते हैं. बिगिनिंग पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, शुरुआत ही हमारी जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो कहाँ से होती है, माउथ से होती है. विच लीड्स टू द फाइनेक्स एंड टू द ओसोफेगस. जो माउथ के बाद फिर क्या आता है, फाइनेक्स आता है. फाइनेक्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, ओसोफेगस. उस वहाँ से हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बकल कैविटी. टेक अ स्क्रीन शॉट. ओके, नेक्स्ट कैनाइंस. कैनाइंस क्या होते हैं, तो कैनाइंस आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसीजर. यहाँ पे मतलब हम अगर अपने जॉ को बनाएं तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ. सो दिस इज आवर जॉ. सो दीज आर द इंसीजर्स विच आर प्रेजेंट एट द फ्रंट. इंसीजर्स के जस्ट पास में हमारे पॉइंटेड टीथ्स प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमंस में वेल डेवलप्ड नहीं होते. ज़्यादातर हमारे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. तो ये जो पॉइंटेड टीथ्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैनन्स बोलते हैं. तो कैनन्स आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसीजर. इंसीजर के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं. कैनाइंस आर फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग ऑफ फूड. ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मतलब फाड़ने में, चीर फाड़ में हेल्प करते हैं कैनाइंस. तो फूड की चीर फाड़ में कौन हेल्प करते हैं, कैनाइंस हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज आवर सेल्यूलोस. सेल्यूलोस क्या होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ चैप्टर के लेक्चर में. सेल्यूलोस इज़ अ मॉलिक्यूल. सेल्यूलोस एक वो मॉलिक्यूल है विच कंसिस्ट ऑफ 100 और समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. सेल्यूलोस एक तरीके का हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किस चीज़ के एटम्स पाए जाते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के. नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है, सो डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस. जैसे ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, हमने इसको और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो यही हमारा क्या है, डाइजेशन है. तो डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिससे फ्रूड को तोड़ा जा सकता है, फूड को, किसमें, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेज में. इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. सो दिस इज़ योर नाइन्थ कीवर्ड. नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा इजेशन. इजेशन क्या होता है, तो इजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीशन. इजेशन को हम और क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन भी बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म. मतलब अपने अनडाइजेस्टेड फूड को जो रिमेन रह गया हमारे, मतलब अनडाइजेस्टेड हम बोल सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल है जिसमें से कुछ भी नहीं निकल सकता अब, तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से. बॉडी में उसका कोई काम नहीं है, तो यही जो प्रोसेस होती है वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने की बॉडी से, इसको हम इजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट इज़ योर फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट इन आवर बॉडीज एंड इन द फूड वी ईट. फैटी एसिड क्या होता है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, फैट का. फैट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड्स से. हमने पढ़ा है बाइल में, पढ़ा है कि जो बाइल होता है वो फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ देता है. सो दिस इज़ व्हाट, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन. तो जो फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फैट्स के इन आवर बॉडी एंड इन द फूड वी ईट. और जो खाना हम खाते हैं उसमें फैट भी होता है, ऑब्वियसली हर खाने में फैट होता है. तो वो जो फैट होता है वो क्या करता है, वो फैटी एसिड्स की चेन से मिलकर बना होता है. नेक्स्ट इज योर फूड वैक्यूल. द फूड वैक्यूल और डाइजेस्टिव वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एसोसिएटेड विद अ डाइजेस्टिव फंक्शन. जो फूड वैक्यूल होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो फूड वैक्यूल को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं. और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है. फूड वैक्यूल जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है एसोसिएटेड विद अ डाइजेस्टिव फंक्शन. मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होता है फूड वैक्यूल का, फूड को, एक्स्ट्रा फूड जो हमारा बन गया उसको स्टोर करके रखना. किसका काम है, फूड वैक्यूल का काम है. नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, गॉल ब्लैडर. सो गॉल ब्लैडर इज़ अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गेन. ये एक पियर शेप्ड ऑर्गेन है लोकेटेड अंडर योर लिवर. लिवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल. क्या काम करता है, स्टोर करता है. और रिलीज बाइल कहाँ से होता है, रिलीज बाइल लिवर से होके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. लेकिन जो हमको चाहिए, मतलब जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमें बाइल जूस चाहिए, वो कहाँ से रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है. सो गॉल ब्लैडर एक छोटा पियर शेप्ड, हम बोल सकते हैं थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पर लोकेट होता है, लीवर के जस्ट
नीचे प्रेजेंट होता है दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल, जो स्टोर करता है और रिलीज करता है किसको, बाइल को। नेक्स्ट है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? तो ग्लिसरॉल इज़ अ स्वीट सीरप। ग्लिसरॉल क्या होता है? एक स्वीट सीरप होता है, मतलब कि मीठा सीरप होता है। फ्लूड सब्सटेंस होता है ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल फैट, जो किससे मिलता है हमको, एनिमल फैट से मिलता है एंड ऑयल्स और बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को हम अच्छे तरीके से सड़ा देते हैं तो हमको क्या चीज़ मिलती है, ग्लिसरॉल मिलती है। हमें बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था, हम उसको हल्का बहुत सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ग्लिसरॉल निकल के आएगा। फर्मेंटेशन, ग्लूकोज पे हम किसी भी एनारोब्स का हम फंक्शन कराते हैं। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर काम करवाते हैं ग्लूकोज पर, ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो हमारा क्या निकल के आता है, ग्लिसरॉल निकल के आता है, जो कि एक स्वीट सीरप है, फ्लूड सब्सटेंस है, किससे मिलता है, एनिमल फैट्स से एंड ऑयल्स से। नेक्स्ट है हमारा इंसीजर। इंसीजर टीथ इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट इन द माउथ। मैंने अभी आपको कैनाइन के साथ इंसीजर दिखाए थे डायग्राम में, तो इंसीजर जो हैं वो क्या है, फ्रंट मतलब मुंह के सामने सामने प्रेजेंट होते हैं इंसीजर्स। इंसीजर टीथ इज़ यूजुअली यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। आप खाने को काटते हैं तो कहाँ से काटते हैं, सामने वाले टीथ से ही तो काटते हैं। तो वो जो इंसीजर होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं फूड को। फूड की कटिंग और बाइटिंग में कौन हेल्प करते हैं, इंसीजर हेल्प करते हैं। सो दीज आर द 15 कीवर्ड्स एंड दीज आर ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट 15 कीवर्ड्स वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको किसी भी कीवर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कल वाली वीडियो में एक बार और उस कीवर्ड को समझा दूँगी। एंड स्टे ट्यून फॉर द टुमारोज़ लेक्चर। थैंक यू अगेन।